दोस्तों रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी जल्द ही होने वाली है। यह दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में जल्द ही बंधने वाले हैं। दोनों 17 अप्रैल को सात फेरे लेंगे। उनकी शादी की रस्में 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। खास बात तो ये है दोस्तों कि शादी की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। जी हाँ, दोनों के परिवार वाले शादी की धूमधाम से तैयारियाँ कर रहे हैं। दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि ये शादी पहले आरके हाउस में होनी थी, लेकिन अब ये शादी का वेन्यू हो चुका है चेंज। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो ये शादी अब आरके हाउस में नहीं बल्कि वास्तु अपार्टमेंट्स में होगी। दोस्तों ये वही वास्तु अपार्टमेंट्स है जहाँ पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट रहते हैं। जी हाँ, एक साथ नहीं लेकिन एक ही बिल्डिंग में। जहाँ रणबीर कपूर 7th फ्लोर पर रहते हैं तो वहीं आलिया भट्ट 5th फ्लोर पर रहती हैं, और इसीलिए कयास लगाए जा रहे थे कि इसी बिल्डिंग में इनकी शादी से जुड़ी कुछ रस्में होंगी। लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस की पब्लिसिस्ट निलोफर कुरेशी और उनके सिक्योरिटी हेड यूसुफ को वास्तु बिल्डिंग में देखा गया था, जिससे वेन्यू चेंज की अटकलें अब पक्की होती नज़र आ रही हैं। यही नहीं दोस्तों, एक्ट्रेस की मैनेजर ग्रिश्मा भी वास्तु बिल्डिंग पहुँची थी, और इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ती जा रही है और इस वीडियो ने उनकी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लोगों का कहना है कि जहां शादी आरके हाउस में होनी थी, अब वहीं वास्तु बिल्डिंग में होगी। दोस्तों खबरों की माने तो रणबीर ने 8 दिनों के लिए वास्तु बिल्डिंग के बैंक्वेट को भी बुक कराया है। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि अपनी शादी को खास बनाने के लिए रणबीर कपूर अपनी बिल्डिंग और सड़क पर कुछ सजावट चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले पाली हिल रेसिडेंस एसोसिएशन से परमिशन लेनी है। दोस्तों आपको बता दें कि ये 12 मंजिला कॉम्प्लेक्स कपूर परिवार के कृष्णा राज बंगले के काफ़ी पास है। और दोस्तों बात करें इनकी शादी के कार्यक्रम की, तो दोनों की शादी को लेकर पहले खबरें थीं कि शादी 14 अप्रैल को होनी है, लेकिन बाद में शादी की डेट 15 अप्रैल हो गई। जी हाँ दोस्तों, आलिया भट्ट पंजाबी परंपरा के अनुसार 15 अप्रैल को रणबीर कपूर की दुल्हनिया बनेंगी। दोस्तों शादी से जुड़ी काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं। केटरिंग्स, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटीज सभी को बुक किया जा चुका है, और शादी के बाद ही उनकी तस्वीरों को मीडिया में शेयर किया जाएगा। इस बात के खास ऑर्डर सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स को दिए गए हैं। दोस्तों कपूर ख़ानदान के साथ साथ उनके फैंस भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आखिर आलिया भट्ट रणबीर कपूर की दुल्हनिया बनेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये शादी तो बस दुनिया के लिए है। नीतू कपूर तो बहुत पहले ही आलिया भट्ट को अपनी बहू मान चुकी हैं। इसी वजह से आलिया भट्ट को कपूर फैमिली के हर छोटे से छोटे और बड़े फंक्शन में स्पॉट किया जाता था, चाहे शादी हो, डिनर या फिर कोई त्यौहार। आलिया हमेशा ही कपूर ख़ानदान के साथ नज़र आती थी, जिससे साफ पता चलता था कि कपूर फैमिली के साथ आलिया भट्ट की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है।